हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यू अपडेट जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आया है, उसके सारे फीचर्स। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से अपडेट करना है, क्योंकि इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या नया आया है और कैसे वो यूज़ करना है। तो इसलिए ये वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फ़ोन में कुछ नया आया है क्या। तो फ़ोन की सेटिंग्स में कुछ भी नया नहीं आया है। उसके बाद न्यू गन्स में भी आप देख सकते कोई नई गन नहीं आई है, और बाकी जो कैमरा व्यू है और स्लो मोशन मोड है वो भी सब सेम ही है। तो मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं है। अबे साले, तो सबसे पहली चीज, जो सबसे बिगेस्ट चीज है जो आई है हमारे गेम में, वो है नाइट मोड, जिसकी चीट कोड है सिर्फ 9। तो जैसे ही आप 9 दबाओगे आपका जो टाइम है वो डे से नाइट में आ जाएगा, और आप देख सकते हो ऊपर आसमान में चांद है, सितारे हैं और बादल भी नाइट वाले हैं गाइस। और उसके बाद जो सिटी है उसमें पूरी लाइट्स जल चुकी है। तो आओ एक्सप्लोर करते हैं कि हर एंगल से सिटी कैसे दिख रही है। तो ये तो हमारा हाउस वाला साइड है, और आपको वैसे हर घर में ही इसमें लाइट्स जलती हुई दिखेंगी, और स्ट्रीट लाइट्स जो हमारी लगी थी जो कि कभी भी काम की नहीं थी वो अब काम की हो चुकी है, क्योंकि अब वो स्ट्रीट लाइट सही में जल रही है गाइस। और लाइट भी मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, जैसे आप अपने बाइक या कार की लाइट जलाओगे तो अब आपको अच्छे से दिखेगा थोड़ा। वैसे बिना लाइट के भी अच्छे से दिख रहा है, और यहाँ पे तो थोड़ा शाम वाला फील आ रहा है, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा अंधेरा था, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लाइटिंग है इसलिए और थोड़ा सा उजाला सा दिख रहा है। उसके बाद ये जो हमारा रैंप है इसमें भी आपको एरोस दिख जाएंगे जो कि दिख रहे हैं। स्टेशन पे बहुत अच्छे बल्ब लगाए गए, स्टेशन की लाइट भी इनने अलग से लगाई है। उसके बाद आगे हमारी जो एक अलग विलेज है, हमारी एक अलग सिटी है, उसमें देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इसके घरों के अंदर भी लाइट्स जल रही हैं गाइस, आप देख सकते हो। तो ये घर तो अंदर से वैसे खाली रहते हैं लेकिन बाहर से लाइट जला दिए। अब मैं इसकी कार छीन के एक बार देख लेता हूँ कि कार की लाइट कैसी जलती है। अब आए ना लाइन पे। तो ये आगे हम लोग कार के अंदर, और इसकी लाइट भी अच्छी खासी जल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाइक और, अरे ये क्या है, ये कौन सा क्लिच था गाइस? आपने देखा दोनों जो गेट है वो ऊपर आ गए थे, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो न्यू अपडेट गाइस, न्यू ग्लिच और न्यू मिथ्स, जो कि अगर आपको मालूम है जैसे आप न्यू अपडेट खेलोगे ना अपने मिथ्स कमेंट कर देना। वैसे इसके लिए मैं एक पोस्ट भी डालूंगा, उस पर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने नाइट मोड खेल लिया है। वापस आपको डे करना है तो वापस फोन पे 9 चीट कोड डाल देना, डे हो जाएगा, और वापस 9 डालोगे तो वापस, ठीक है। तो अब 1212 से आपको मालूम है कि ट्रक आता है, लेकिन हमारा न्यू ट्रक जो आया है ट्रक विद ट्रेलर, वो कैसे आएगा? वो आएगा 01212 से, ठीक है। 1212 के आगे 0 लगा दोगे तो ये आगे हमारा बड़ा सा गाइस ट्रक विद ट्रेलर, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वही ट्रक रहेगा, तो इसलिए इसके पीछे ट्रेलर ऐड करने के लिए आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। अब ये ट्रेलर कैसा है पहले तो देख लेते हैं। बहुत सारे टायर हैं भाई, 3 इधर 3 इधर, आगे 2 3 हैं, फिर बहुत सारे। और ये हमारी जो ट्रेलर है इसका कोई बटन नहीं है क्या? क्योंकि मैंने शायद फ़ोटो में देखा था थोड़ा ऊपर रहता है क्या, लेकिन देखते हैं यहाँ से गाड़ी चढ़ेगी क्या। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर है ये, तो शायद गाड़ी नहीं चढ़ेगी यार इस पर, देख लेते हैं। तब भी मुझे तो वैसे ऊपर ही लग रहा है यार, वो ज़मीन के ऊपर है। अरे अरे गाड़ी भी फंसी है क्या नीचे? ये देखो, ये देख लो गाइस, ये ट्रक के ऊपर नहीं चढ़ने वाला, बहुत ऊपर है ये। हो सकता है इसके नीचे जो गाड़ी फंसी हुई है ना इसके कारण ट्रक थोड़ा ऊपर हो गया हो। तो पहले इसको मैं हटाऊँ। एक तो यार ट्रक बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है मुझे, क्योंकि हट नहीं रही है गाड़ी, रुक जाओ। ओ ये तो पूरा मुड़ जाता है यार, तो मतलब ये निकल के बाहर आ सकता है क्या? नहीं, जैसे सेनेंड्रियास में ये ऐसे जो ट्रक रहते थे ना, अगर ज़्यादा मोड़ दो ना तो ये पीछे का ट्रेलर ही निकल जाता था, डिटैच हो जाता था। एक और गाड़ी फंस गई अब इसके नीचे, तो शायद इसमें भी होता है कि हम बाद में देखेंगे, सारे मिथ्स कन्फर्म बस करेंगे। ये निकल गई मेरी ट्रक, ठीक है। अच्छा एक सॉरी गलती से चढ़ भी गया है एक महिला के ऊपर ट्रक। अब मैं चढ़ा के देखता हूँ इस पे गाड़ी। तो ये आप देख सकते हो अभी भी ये ऊपर है गाइस, तो मतलब गाड़ी तो नहीं चढ़ेगी, तो गाड़ी मतलब हमें इसके ऊपर ही स्पॉन करनी पड़ेगी। अब ये जो एंगल है यहाँ पे तो मैं लगता है सिर्फ बाइक ही स्पॉन कर सकता हूँ, करके देखते हैं। ये 400 से बाइक तो स्पॉन हो गई, लेकिन शायद मैं नीचे उतर के इधर से अगर मैं गाड़ी स्पॉन करूँ तो हो सकता है इसके ऊपर गाड़ी बैठ जाए। ये हम डालेंगे चीट 4000 वाली, इसके पास आ जाता हूँ पहले। ये लो, चलो भाई ऊपर आ जाना। ये आ गई, परफेक्ट आ गई, बिल्कुल ही अच्छे से। चलो तो इस गाड़ी को अब आप कहीं भी टेलीपोर्ट मतलब कि ट्रांसफ़र करा सकते हो। टेलीपोर्ट तो नहीं होगी, आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये भाई एक तो यार इतनी बड़ी ट्रक है ना, सारी गाड़ियाँ आके फंस जा रही है। ये देखो ऐसे आप अपनी गाड़ियों को शिफ्ट करवा सकते हो इस ट्रक के ऊपर रख के। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा हमारी नेक्स्ट गाड़ी
जो कि है हमारी फायर ट्रक और चीट कोड है 606। ये आप जैसे डालते हो आपके सामने फायर ट्रक आ जाएगा जो कि फायर फाइटर यूज करते हैं। आप देख भी सकते हो लिखा है फायर एंड रेस्क्यू सर्विस। इसके फीचर्स देख लेते हैं। सामने ये क्या है, कैमरा है? कैमरा तो नहीं होगा, पानी डालने का होगा शायद। और इसके दो अलग गेट है जिसके अंदर टीम बैठी रहती है ना, वो बाहर कूद के आती है। फीचर्स तो बहुत सारे दिए लेकिन ये वर्क कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हो सीढ़ी भी दिए गाइस। पीछे हमारे वो भी हैं, ये शायद ऐसे हुक के ना निकाल के लगा सकते हैं किसी पेड़ पे या किसी पे, पता नहीं। इस सीढ़ी पे देखो चढ़ नहीं रहा है, मैंने ट्राई कर लिया। हो सकता है गाड़ी के अगर अंदर फीचर दिए हो ना। अच्छा ये गेट नहीं है क्या? ओके आगे वाला है गेट यहाँ पे शायद से। अच्छा ये देखो चढ़ने के लिए वो भी दिया है गाइस, क्योंकि हाई रहती है ना थोड़ी। तो ये ऊपर भी एक सीढ़ी है लेकिन ये उतरेगी नहीं क्योंकि हमारे पास हमारे पास ऑप्शन नहीं है गाइस। ठीक है ये देखो आप देख सकते हो कहीं भी ऑप्शन है नहीं यार ये फीचर्स यूज करने का। लेकिन यार मेरी दरख्वास्त है रोहित गेमिंग स्टूडियो से कि ये ऑप्शन लाए, इसके सारे फीचर्स हम यूज करेंगे ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये प्लीज नेक्स्ट अपडेट में लाया जाए। तो अभी तक के लिए तो बस ऐसी गाड़ी चला सकते हो आप, क्या करोगे। तो नेक्स्ट अपडेट जो हमारा आया है गाइस वो है हमारी लेजेंडर कार जो कि आएगी 1001 से। ठीक है 1001 डालोगे तो फॉर्च्यूनर होती है और एक लेजेंडर होती है। तो लेजेंडर कार आ जाएगी, फॉर्च्यूनर आती है 1000 से और ये आएगी 1001 से, मतलब 1000 और 1001। तो अभी हम देखेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि मुझे तो ये फॉर्च्यूनर जैसी लग रही है। कुछ तो इसमें अपग्रेड रहता है, जिनको कार की नॉलेज रहेगी वो बता सकते हैं और आप ही बताना कमेंट में। पहले भाई इसको तो ना मारूंगा मैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। मैं यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ और ये आके ना मेरी गाड़ी तोड़ के भाग गया। चल निकल ले अब तू। अब मेरी गाड़ी भी गई लेकिन दूसरी स्पॉन कर लेंगे। ये आ गई हमारी फॉर्च्यूनर गाइस। अब आप बताओ कि इन दोनों में फर्क क्या है, हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है इसका गेट कोई बंद करो, यहाँ से हो जाएगा। ये लो पहले साइड से देखते गाइस, साइड से क्या फर्क है। साइड से तो यार सेम ही लग रही है पूरी, वैसे कुछ फर्क दिख नहीं रहा। पीछे के शायद फ़र्क हो, पीछे की इसकी लाइटिंग ऐसी है और इसकी भी वैसी है, उसकी शायद से थोड़ी लंबी, क्या नहीं सेम ही लग रही है। यहाँ से भी सेम है। ओ चूना लगा दिया भाई, क्या फ़र्क है फॉर्च्यूनर और लेजेंडर में। कहीं जिसको भी इस बात की नॉलेज है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताए कि फॉर्च्यूनर और लेजेंडर में क्या फ़र्क रहता है। अच्छा सामने से शायद फ़र्क हो, देखो सामने से ना उसके वो है और हाँ ये पूरी ब्लैक है सामने से। अच्छा तो ये फ़र्क रहता है क्या, ठीक है समझ गया। यहाँ पे पूरा फुल ब्लैक है सामने का और ये ब्लैक नहीं है, तो वहाँ से वो अच्छी लग रही है थोड़ी आगे से, बाकी तो सेम ही रहती है। एक बार अंदर का भी देख लेते हैं। देखो अंदर से फॉर्च्यूनर ऐसी दिखती है, यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन है और ये ऐसा है। इसके ऊपर एक वो भी लगा है लेकिन वो उसके ऊपर भी लगा। अच्छा ऊपर से इसकी एक डिज़ाइन है ना ब्लैक कलर का, शायद उसमें नहीं है। ठीक है इसके अंदर का देख लेते हैं, ये देखो। ठीक है तो गाइस ये भी सेम है लेकिन ऊपर देखो इसके ब्लैक कलर का है, उसमें नहीं है। तो लेजेंडर में बस शायद कहीं कहीं पे ब्लैक कलर जोड़ा हुआ है जो कि उसमें नहीं है, तो ये फर्क है गाइस। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो नई चीजों में तो इतना ही आया है, हमारी पुरानी चीजों में कुछ चेंज हुआ है तो वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारी ट्रेन, इसमें कोई नया फीचर आया हो, वैसे आगे पीछे चलने से ज्यादा क्या ही कर लेगी, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और दूसरा है हमारा डायनासोर जो कि हमें चेक करना है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या बड़ा डायनासोर अब एका शॉट में मर रहा है या फिर कुछ अलग हुआ हो इसमें। तो पहले इसके थोड़ा दूर आ जाते हैं। ठीक है वहाँ से आ रहा है, उतरते हैं। वैसे ये छोटे डायनासोर पर भी टेस्ट करना था लेकिन अभी के लिए बड़ा वाला काफ़ी है, वो हम इसमें देखेंगे। चलो तो इसको मारा जाए। आ तो ये सेम वैसे ही रहा है और अभी भी इसको नहीं पड़ी कुछ। एक रॉकेट मारा मैंने, कुछ नहीं हुआ, अभी भी सेम तरीके से खा रहा है। अच्छे से और एनिमेशन कर सकते हैं बाद में, अभी वापस वैसे ही हुआ कि एक जबड़े में ये ख़त्म हो गया इसका खेल। तो ये है हमारे न्यू इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का अपडेट, जाके अपडेट कर लो जल्दी से। लेकिन अपडेट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।